फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद के जो है शपथ के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की तरफ से जो है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनी गई हैं और उन्होंने जो है अपना जो है कार्यकाल जो है प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित तौर पर आज के इस सेशन में हम उन्हें जो है बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ में जो है राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ ऐसी सैद्धांतिक पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जो कि सैद्धांतिक रूप से हम लोग पढ़ते हैं परंतु व्यवहारिक स्तर पर उसका मतलब और व्यवहार आशय को जो है नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की तरफ से जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं, वह भारत की तरफ से दूसरी महिला एवं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं और इसके पूर्व में जो है 2015 से लेकर के 2021 तक ये जो है देश की जो प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है। प्रथम क्या थी? आदिवासी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व में परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्योंकि अब आप वर्तमान समय में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में इनका अध्ययन कर रहे हैं तो आने वाली परीक्षाओं में इनके पूर्व के ही जो है राजनैतिक और ऐतिहासिक विकास क्रम से संबंधित सवाल भी पूछा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूर्व में पूछा भी जा चुका है और इस रूप में जो है ये राज्य झारखंड की जो है आदिवासी राज्यपाल पहली महिला। अगर हम राज्यपाल के रूप में बात करें तो देश की जो है पहली आदिवासी राज्यपाल महिला भी थी और इस रूप में ये जो है झारखंड राज्य की जो है राज्यपाल रही हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है रही है ना केवल द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बल्कि इस पूरे जो है समुदाय के लिए और उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का भी स्रोत है कि कोई भी व्यक्ति अपने लगन मेहनत निष्ठा समाज सेवा के बल पर के देश के जो सर्वोच्च संवैधानिक पद और देश के प्रथम नागरिक तक जो है अपनी पहुंच बना सकता है जो कि इन्होंने जो है कर दिखाया है। तो देश की जो है प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल भी जो है रही हैं और देश की जो है प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति भी जो है अब ये जो है यहाँ पे हो जाती हैं और इस तरीके से जो है ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का खिताब इन्होंने जो है प्राप्त किया है। तो इस रूप में जो है इनका जो प्रारंभ एक राष्ट्रपति पद के जो है लिए जो है होता है। अब इनके बारे में कुछ जो सैद्धांतिक पहलुओं की हम लोगों ने जो है चर्चा किया उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ना केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हर नागरिक को इसके बारे में जो है जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद के संबंधित जो भी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसे जानना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा एक चार्ट और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे यानी कि भारत में आर्टिकल जो है 52 के अंतर्गत जो है यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और आर्टिकल 53 के अंतर्गत, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं कि भारत में जो है कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी जिनका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो प्रयोग करेंगे। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला जो है 54 है जिसमें राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ से अक्सर सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इंपॉर्टेंट यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात है, एक फैक्ट है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल में जो है विधानसभा के निर्वाचित, विधानमंडल में दोनों आती हैं लेकिन यहां पर विधानसभा के ही लोगों को सम्मिलित किया गया निर्वाचित सदस्य, और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो है विधानसभा के सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि चार प्रकार की चीजें हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा तथा अगला जो है यूटी यूनियन टेरिटरी जो है उसे जो 17वें विधानसभा
सत्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसमें सम्मिलित किया गया कि वह भी इस जो है निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। तो ये व्यवस्था जो है निर्वाचन की बात यहाँ पर करता है, और 55 जो है ये निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात, ये निर्वाचन की बात करता है कि निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचन मंडल से होगा, और ये निर्वाचन की प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया है दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल इसको कहा जाता है। तो इसे इसलिए यह शब्द प्रयोग किया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, कि इस निर्वाचक मंडल में जितने भी जो है सदस्य भाग लेते हैं वह उनका मूल्य अलग अलग होता है, उनके मूल्य निकालने का एक फार्मूला होता है कि जितनी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसी के अनुपात में उन्हें मूल्य दिए जाते हैं, अर्थात इसमें जो है सदस्यों का मूल्य जो है अलग अलग होता है कि वो अलग अलग जनसंख्या के एक जो है वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा टर्म इसमें है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा और यूटी के रूप में जो है दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य हैं, तो इनके जो वोट होते हैं वो वरीयता क्रम में जो है दिए जाते हैं, इनके वोट जो है वो वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। जैसे हम इसको अगर एक उदाहरण के रूप में लें तो क्रम हो गया और यहां पे उम्मीदवार हो गया और इनका जो है वरीयता हो गया, वरीयता हो गया इस तरीके से। अब ये अगर मान के चलते हैं हम, एक वोट का ये फॉर्मेट है, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गए, उम्मीदवार जो इसमें हम ए बी और सी के रूप में ले लेते हैं, तो अब ये जो है एक वोट का फॉर्मेट हो गया, जैसे बैलेट पेपर होता है। तो अगर कोई भी मान लीजिए एक का नाम का जो है सदस्य आता है वोट डालने के लिए, तो उसको जो है यहाँ पे वोट तो एक ही डालेगा लेकिन उसका वोट जो है वो वरीयता क्रम में होगा, यानी कि उसे तीनों ही उम्मीदवारों को वोट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि वो सबसे ज्यादा पसंद किसको करता है। मान लीजिए वो पसंद कर रहा है सबसे ज्यादा ए को, ए किसको दे दिया, उसके बाद बी को पसंद कर रहा है, उसके बाद सी को। यह वोट का वोट की एक संभावना होती है, इसी के रूप में एक यहाँ पे दूसरी भी संभावना यहाँ पे बन सकती है, जिसको इस रूप में नोट कर लेते हैं हम लोग कि एक जो है एक संभावना ये हो गई। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि वो एक के रूप में, दो के रूप में और तीन के रूप में दे सकता है। तो मतलब इसी तरीके से अनगिनत संभावना, अगले में एक यहाँ पे हो सकता है, तीन यहाँ पे हो सकता है, दो यहाँ पे, तो इस तरीके से कई संभावनाएं हो सकती है। मैं मान के चलता हूं कि उसे जो है तीनों ही उम्मीदवार को वोट देना होगा, वोट उसका एक ही माना जाएगा लेकिन वह वरीयता क्रम में 1-2-3 के ऑर्डर में होगा, अगर चार होंगे तो चार वरीयता क्रम में दिया जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर स्पष्ट बहुमत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और सिंगल ट्रांसफरेबल का कॉन्सेप्ट भी यहीं से जो है उद्दित होता है, यहीं से जो है उत्पन्न होता है। अब यहां पे ये चीज आपको समझ में आएगी कि सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, यानी कि ज्यादा वोट प्राप्त करने वालों को बहुमत। अगर मान के चलिए कि जो मोटा मोटा मैं मान के चलता हूं कि जो है 1,00,000 वोट कहीं पर विधानसभा में पड़ते हैं और किसी को जो 40,000 मिल गया, किसी को 25,000 मिल गया, किसी को 35,000 मिल गया, 40,000, 35,000, 25,000, यानी कि 1,00,000 हो गया। अब इसमें 40,000 वोट वाला जो है जीत जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो नहीं जीत पाता है क्योंकि इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत जो है एक अस्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होगा। अस्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए कुल पड़े हुए जो है वोट जितने भी जो है कुल वोट जो पड़ रहे हैं उसके जो है 50% प्लस 1 वोट जो है उसको प्राप्त करना होता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 50% उसके जो है कुल वोटों का 50% और में एक जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ये माना जाएगा कि अगर तीन भी कैंडिडेट हैं तो अगर उसको जो है 25, 35 और 40 के रूप में वोट मिल रहा है तो किसी को नहीं मिलेगा, तो वहां पर उसे अस्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए उससे सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया जाएगा, उसका हार मान लिया जाएगा और उसके वोटों के सेकंड वरीयता की गणना की जाएगी और सेकंड वरीयता जिनको जिनको मिली होगी उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम इसे भी एक उदाहरण के रूप में जो है यहाँ पे देखेंगे तो चीजें समझ में जो आएंगी। क्रम हो गया, उम्मीदवार हो गया और वोट हो गया,
1, 2, 3 उम्मीदवार हो गए ए बी सी। अभी हम मान करके चलते हैं कि कुल वोटों की संख्या उदाहरण के लिए जो 100 होते हैं। अब यहाँ पर हम ये इसको देख लेते हैं कि इसमें जो है 2500 और 3500 और 4000 इस रूप में मिलते हैं। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर स्पष्ट जो बहुमत है वो 100% के लिए ये हो गया प्लस 1, यानी कि जो 51 वोट प्राप्त करना हो सके, जो इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे कि सबसे कम वोट किसको मिल रहा है। सबसे कम वोट यहाँ पर ए को मिला है, इसको हम लोग जो है बाहर कर देंगे, मान लेंगे कि ये व्यक्ति जो है इसको हार हो जाती है। और अब ये देखते हैं कि ये जो 25 वोट है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था इसी तरीके से 25 वोट होगा, ये जो है एक वोट है, मान लीजिए इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं, एक व्यक्ति ने इसको वोट दिया है, इसी तरीके से 25 लोगों ने वोट दिया होगा। अब यहाँ पर जो है एक को चूंकि सबसे कम वोट मिला है तो पहली वरीयता का वोट यह दिया गया था। अब इसमें देखना होगा कि इसी तरीके से जो 25 वोट है बैलेट हैं उनमें से द्वितीय वरीयता का वोट किसको दिया, इस वाले उम्मीद व्यक्ति ने जो हमने यहाँ पे का लिखा था, इन्होंने इसको दिया है। हो सकता है अगले व्यक्ति ने इसको दिया हो, फिर कुछ लोग इसको दिए हो, इसको इसको, क्योंकि वही 25 वोट होंगे जिनकी की जो है वरीयता जो है प्रथम ए को है, वही वोट केवल यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं। तो इसके जो है द्वितीय वरीयता की वोटों की काउंटिंग होगी। हम मान करके चलते हैं कि इस व्यक्ति को जो है 18 वोट जो है दिया है और इस व्यक्ति को 7 वोट, तो 7 और 18 जो है ये 25 हो जाएगा, तो ये वोट टोटल इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे तो द्वितीय वरीयता के वोट जो है दिख रहे हैं कि 2 है और इसको तृतीय वरीयता, हो सकता अगले वाले ने इसको दिया हो द्वितीय, इसको दिया हो तृतीय, इसी तरीके की संभावना 25ों पे होगी। हम मान करके चलते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, या इसके अलावा ये भी बन सकती है कि उसमें एक को 12 दिया हो, एक को 13 दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं मान करके चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। अब यहाँ पे हम अगर इसको जोड़ करके चलते हैं तो ये 53 वोट हो रहा है और ये जो है 47 वोट हो रहा है, ऐसे कर देते हैं। अब ये द्वितीय वरीयता के वोट, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दिए हैं, इसलिए ये आगे प्रोसीडिंग में जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है उम्मीदवार बी जो है यहाँ पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके जो है राष्ट्रपति पद के इस चुनाव में विजेता घोषित हो जाता है। तो चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से ही होती हैं, लेकिन हम लोग जो है व्यवहार में उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। 54 में जो है ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। तो पद्धति में हमने बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है, स्पष्ट बहुमत 50% प्लस 1 वोट होता है। एकल संक्रमणीय का तात्पर्य होता है कि जितने जो है सदस्य होते हैं वह सभी जो है एक ही वोट दे करके प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता के क्रम में वोट देते हैं। सबसे पहली बार जो है प्रथम वरीयता के वोटों की जो है गणना होती है, जैसा कि हमने 100 वोटों में जो है यहां पर जो है दिखाया हुआ है। यदि किसी भी कैंडिडेट को स्पष्ट बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो जाते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, और यदि नहीं प्राप्त होते हैं तो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चुनाव से बाहर करके उस व्यक्ति के द्वितीय वरीयता के वोटों को दोनों कैंडिडेटों में जिनको जिनको गया होता है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उनकी जो है गणना की जाती है और देखा जाता है कि क्या स्पष्ट बहुमत किसी को प्राप्त हो रहा है या नहीं, और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो यह कुल मिलाकर के एक व्यवस्था होती है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो अपनाई जाती है, और ये अक्सर जो है मुख्य परीक्षा में टिप्पणी के साथ साथ जो साक्षात्कार में पूछा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में इससे संबंधित जो चुनाव जो है संपन्न हुए हैं तो आने वाले समय में जो है यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना बनेगी। जो है अगला एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान जो कि हम लोग व्यवहार में देख लेते हैं परंतु उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी व्यवहारिक स्तर पर नहीं होती, तो हम उसको जो है देखने का जो है प्रयास करेंगे। जो है यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति के लिए किया गया है,
और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन में जो प्रारंभ किया जा सकता है। अब यहाँ दो चीजें हमने कहा, एक तो महाभियोग और दूसरा संसद के किसी सदन में। महाभियोग की व्यवस्था, एक चीज ये समझ लेना आवश्यक है कि कई किताबों में इस बात का जिक्र रहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया, नहीं, वो गलत चीजें हैं। चीजों को सही तरीके से समझना और जानने की जो है जरूरत है। महाभियोग की व्यवस्था केवल और केवल भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में राष्ट्रपति के लिए किया गया है, इसके अलावा किसी के लिए महाभियोग की व्यवस्था नहीं की गई है। अन्य लोगों के संदर्भ में साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर उन्हें उनके पद से पदच्युत या हटाने की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए महाभियोग की व्यवस्था केवल और केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है। जबकि भारत में जो है इनको हटाने के लिए किसी सदन में, जबकि अमेरिका में केवल जो है निम्न सदन में ही ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह अलग अलग देशों की संवैधानिक व्यवस्थाएं, लेकिन तो अत्यंत विशिष्ट फैक्ट है, इसलिए इसको यहाँ पर बताना और जिक्र करना जो है जरूरी था। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, बशर्ते ऐसा प्रस्ताव उस सदन के जो है एक चौथाई जो है सदस्यों के जो है हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है, जिसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है दी जाती है। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सदन के जो है 2/3 बहुमत से इसे पास करना आवश्यक होता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि व्यवहारिक रूप में जो सुनते हैं कि जो है विशिष्ट बहुमत से जो है प्रस्ताव को पास करना होगा। हम यहाँ पर जो है तीन तरीके के जो है, एक साधारण जो है बहुमत, एक जो है होता है विशिष्ट बहुमत, और अगला होता है राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है विशिष्ट बहुमत। लेकिन हम सामान्यतः जो है इसको दोनों को एक में मिला देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जो महाभियोग से हटाने की जो विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था होती है वो पूरे तरीके से अलग होती है। हम इन दोनों को जो है अलग अलग जो है उदाहरण के माध्यम से जो समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम यहाँ पे विशिष्ट बहुमत की बात करते हैं तो सदन में सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत यूं उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत, ऐसा लिखा रहता है। परंतु यहाँ पर जो है कुल सदस्य संख्या के ही बहुमत की बात हो जाती है, 2/3 बहुमत की बात हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो है यहाँ पे केवल जो उपस्थित हैं उन्हीं के 2/3 बहुमत की बात होती है, लेकिन यहाँ कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से होती है। भले ही उसमें कम संख्या भाग ले, लेकिन कुल सदस्य संख्या जितनी नियत है उस सदन की, उसके 2/3 बहुमत से पास होना ही आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं कि 552 की जो सदस्य संख्या पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई 300 किसी भी बैठक में 300 लोग हुए और 2/3 बहुमत की बात करता है, तो यहाँ पर जो है 200 लोग भी हैं तो यह जो है प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन इसके केस में जो है 552 के जो है कुल सदस्य संख्या से ही जो देखा जाएगा, यहाँ जो है मतदान में जो भाग ले रहे हैं उसकी 2/3 बहुमत हो जाती है, लेकिन कुल सदस्य संख्या के जो है 2/3 बहुमत की जो है बात होती है। अर्थात यह जो है 84 × 2 बराबर हो जाएगा 8 और 368। तो 368 की न्यूनतम संख्या पाने पर ही यह जो है प्रस्ताव जो है पास होगा। इस तरीके से राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में जो विशिष्ट बहुमत होता है वो सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत होता है, वहां उपस्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। बल्कि सामान्य स्थिति में जो देखा जाता है वहां पर यह होता है कि सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत। तो इस तरीके से दोनों में अंतर होता है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है बेहद कठिन है। इसीलिए संविधान के माध्यम से उसके लिए विशेष टर्म की बात कही गई है और वो टर्म होता है महाभियोग जो है के रूप में। तो महाभियोग की व्यवस्था भारत में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। भारत देश का प्रथम नागरिक और भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसको जिस तरीके से कठिन है बनना, उससे ज़्यादा कठिन है उसको हटाना। अगली जो व्यवस्था जो इम्पोर्टेंट है वो कि न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तियाँ अगर हैं किसी के पास तो राष्ट्रपति के पास ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है
अगर मार्शल ला के जो है तहत किसी भी जो है दंडित व्यक्ति को जो है वो सुनवाई नहीं कर सकता है, परंतु भारत में जो है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है ये शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ जो प्रदान की गई, क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है, और भारत में जो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को भी जो है वो लघुकरण परिहार क्षमा विराम एवं प्रतिलंबन के रूप में जो है कम कर सकता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है या पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने जो है द्रौपदी मुर्मू जी को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने एवं शपथ ग्रहण करने पर जो है बधाई एवं जो है शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति के चुनाव की कुछ विशिष्ट व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, जो सामान्यतः लोगों को सैद्धांतिक रूप में पता होते हुए भी व्यवहारिक रूप में पता नहीं होता है। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में बस इतनी ही जानकारी, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।